नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए जो है भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने ऐलान किया। 3750 किलोमीटर की ये यात्रा जो है तमिलनाडु से कन्याकुमारी होते हुए जम्मू कश्मीर तक की 40 दिन की राहुल गांधी की यात्रा होगी, जिससे वो लगातार जो है जितने भी लोग अब कांग्रेस को भूल चुके हैं, कांग्रेस से हट चुके हैं, उन लोगों को साधने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जब ऐलान हुआ तो भाजपा और तमाम विपक्षी जो नेता हैं, जो कांग्रेस के विरोधी नेता हैं, उन्होंने तंज कसा, तंज के तीखे तीर सहने पड़े कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने सोचा कि इससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कल कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम का रामलीला मैदान में आयोजन किया। लाखों की समर्थकों की भीड़ और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है पोस्टर लेकर के वहां पर पहुंचे और राहुल गांधी को एक बार दोबारा से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की जो है वहां पर कवायद शुरू कर दी। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि 2013 का जो लोकसभा चुनाव था और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, वो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में वो बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था। और जिस तरीके से 2012 में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी अधिसूचना, जिसमें अपराधियों को राजनीति में ना उतरने देने की बात कही गई थी, उसको राहुल गांधी ने जो फाड़ने की बात कही थी, यही कारण रहा था कि 2013 के लोकसभा में राहुल गांधी को जो है हार का सामना करने पड़ा। उसके बाद दोबारा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने मोहर लगा दिया। लेकिन कांग्रेस जो है अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अस्तित्व की इस लड़ाई लड़ते कांग्रेस पे आप छोटे से छोटे नेता भी जो है वो कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। बात करेंगे कुंडा की। कुंडा में राजा भैया ने जो है तंज कसा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खत्म होते जा रही है। सवाल नासा ने भी पूछ लिया राहुल गांधी से कि आखिर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, शहजाद पुनेवाला की बात को उन्होंने दोहराते हुए कहा कि नासा भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक असफल रॉकेट को कितनी बार कांग्रेस लॉन्च करेगा। और महंगाई का जो ये हल्ला बोल कार्यक्रम है, ये तो एक बहाना है, असली में राहुल गांधी को कांग्रेस को दोबारा से लॉन्च करना है, क्योंकि कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसकी कमान कोई भी नहीं संभालना चाह रहा है। और राहुल गांधी को एक बार फिर से गांधी परिवार का ही वंशज जो है यहाँ पर कमान संभालेगा। ये सभी बातें जो है राजा भैया ने कही। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का इन सभी बयानों पर क्या कुछ जो है बयान आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन।